देवघर जिला प्रशासन द्वारा कोरोना काल में प्रभावित लोगों को भूखा न रहना पड़े, इसके लिए फूड ग्रेन बैंक की स्थापना की गई। बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा जिलावासियों से सूखा या खाद्य सामग्री दान करने की अपील की गई थी, जिसका लोगों ने समर्थन किया और कई सामाजिक संगठन, आश्रम, गणमान्य लोगों ने इस नेकता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। मालूम होगा, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि कोविड महामारी से जो लोग बहुत परेशान हुए हैं, उसके लिए देवघर जिला प्रशासन ने एक ग्रेन बैंक नाम की इनिशिएटिव किया था। तो उसमें ये था कि हमने देवघर के लोगों को इनवाइट किया था, देवघर की संस्थाओं को इनवाइट किया था कि आप उस ग्रेन बैंक में ग्रेन को डोनेट कीजिए और हम उसको गरीब लोगों को वितरण करेंगे उस राशन का। तो उसी के तहत ये चल रहा है यहाँ पे कार्यक्रम। तो इसके चलते देवघर शहर के खास तौर पे जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए हैं और जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है कोविड महामारी में, तो उनको राशन वितरण किया जा रहा है। और ये करीब 700-800 लोग हैं जिनको कल कूपन्स बांटे गए हैं। बता दें कि इंडोर स्टेडियम में बने फूड ग्रेन बैंक में दान में दी गई राशन को आज जिला प्रशासन द्वारा 800 लोगों के बीच बांटा गया। वहीं इस मौके पर सदर एसडीओ दिनेश यादव ने जिला प्रशासन की ओर से सभी दानकर्ता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हर जरूरतमंद लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन तत्पर है और इस तरह के आयोजन आगे भी होते रहेंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।